हाय गाइस, वेलकम टू राइट कम्युनिक क्लासेस। मैं हूं रमेश कुमार और आज हम लोग मध्य प्रदेश के इतिहास में एक इम्पॉर्टेंट राजवंश करने वाले हैं। कौन सा? कलचुरी राजवंश। कलचुरी राजवंश, ओके, जिसमें त्रिपुरी वाला और महिष्मति। तो कलचुरी राजवंश की हम दो शाखा मध्य प्रदेश में पढ़ेंगे, ओके, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। पहली शाखा कौन सी है? महिष्मति। महिष्मति ओके और दूसरी कौन सी है? त्रिपुरी शाखा। ये माहिष्मती बाहुबली वाली बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये आपके मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी? महिष्मती शाखा, ओके। महिष्मती कलचुरी वंश का अत्यंत प्राचीन था, यानी महिष्मती का कलचुरी वंश जो है, यहाँ पे जो कलचुरी वंश था ये एक्चुअली इस वाले से ही प्राचीन है। कैसे? त्रिपुरी वाले से। तो ये वाला कलचुरी वंश अत्यंत प्राचीन था, ठीक है। इसमें अनेक प्रतापी राजा हुए जिन्होंने अपना एक संवत चालू किया जिसका नाम ही है कलचुरी संवत, ओके। ये कब किया था, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है, कब? 248 ईस्वी में। और अगर देखें तो पुराणों में कलचुरी राजवंशों या कलचुरियों का है कि कलचुरियों का उल्लेख मिलता है। उल्लेख किसमें है? पुराणों में, ओके। ये पुराणों में ये उल्लेखित है कि जो ये है कलचुरिये थे, ये कार्तवीर अर्जुन के वंशज थे। कार्तवीर अर्जुन के वंशज थे, ओके। इस वंश के केवल 3 शासकों के नाम ज्ञात हुए हैं, यानी जो महिष्मती शाखा है उसमें कलचुरी वंश के केवल हमें 3 शासकों के नाम ज्ञात होते हैं, ओके। सबसे पहला जो है कौन सा है? कृष्णराज। इसका यदि सन देखें तो 550 से 575 ईस्वी। दूसरा इसका पुत्र है जिसका नाम है शंकरगढ़, ओके। एंड इसका अगर ड्यूरेशन देखें तो 575 से 600 ईस्वी। और इसका पुत्र है कौन? बुद्धराज, ओके, 600 ईस्वी से याद कर सकते हैं आप। तो हमें जो है महिष्मती जो शाखा थी कलचुरी राजवंश की, उसके केवल 3 शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, कृष्णराज, शंकरगढ़ और बुद्धराज, ओके। यदि इसमें से हम लोग देखें तो जो आपका कृष्णराज है, कृष्णराज को इस राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो इसे क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक, ओके। इसने चांदी के सिक्के, इसके अगर देखें तो इसके हमें मध्य प्रदेश में चांदी के सिक्कों की प्राप्ति हुई है। वो कहाँ कहाँ से हुई है? आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश में बैतूल और जबलपुर, ओके। अन्य स्थान देखें तो नासिक, ये मध्य प्रदेश में नहीं है, है ना, अमरावती, यहाँ से भी इसके सिक्के मिले हैं। तो मध्य प्रदेश में कहाँ? बैतूल और जबलपुर में। इसकी एक अगर मुद्राओं पर देखें तो एक ओर राजा की आकृति और दूसरी ओर नंदी की आकृति थी। तो अगर इसके सिक्के में देखें या मुद्राओं में, ओके, तो मुद्राओं में जहाँ एक ओर किसकी? राजा की मूर्ति थी या राजा की आकृति कह सकते हैं, वहीं दूसरी ओर नंदी की आकृति थी। ओके, और ब्राह्मी अक्षरों में परम महेश्वर माता पितृ पादानि श्री कृष्ण राज लिखा हुआ था, ये आपको याद नहीं करना। यदि दूसरा देखें हम शंकरगढ़, ओके, ये वाला जो शंकरगढ़ है इसका पुत्र, ओके,
इसका अधिपत्य नासिक जिले के अमोना से प्राप्त हुआ है, तो इसका एक अधिपत्र मिला है हमें कहाँ से, नासिक जिले के अमोना नामक स्थान पे, अमोना से। ओके, यदि बुद्ध राज का देखें तो बुद्ध राज जो है किसका, शंकरगण का पुत्र है। ओके, और इसके में ये याद कर सकते हैं कि इसने कहाँ पे, विदिशा में शासन किया था, विदिशा में मिलता है, विदिशा से इसका एक कह सकते हैं अनुदान का साक्ष्य मिला है, किसने एक अनुदान दिया था विदिशा में, उसका हमें साक्ष्य मिला है। ओके, तो ये तीनों कहाँ से, महिष्मती से। आपको जो याद रखना है किसके बारे में रखना है, कृष्ण राज के बारे में। ओके, अब जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा, वो है त्रिपुरी शाखा। तो अब हम लोग कर रहे हैं त्रिपुरी कलचुरियों की, कलचुरी वंश पढ़ रहे हैं उसमें, अब हम लोग देखेंगे कौन सा, त्रिपुरी शाखा। ओके, अगर इसका संस्थापक देखें तो कौन है, वामराज। छः सौ पचहत्तर से 700 ईस्वी। ओके, इन्होंने डहाल में त्रिपुरी शाखा की स्थापना की। कहाँ, डहाल, डहाल कल भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, डहाल में त्रिपुरी शाखा की, ठीक है, स्थापना की। जिसका विस्तार गोमती नदी से नर्मदा नदी तक था। अगर विस्तार देखें तो कौन से, गोमती नदी से कहाँ तक, नर्मदा नदी तक था। इसकी राजधानी क्या थी, त्रिपुरी, जो कहाँ है, जबलपुर। ओके, यदि देखें कि कलचुरी वंश का सुयोग और वास्तविक संस्थापक, देखो ये केवल संस्थापक आपसे पूछे तो आंसर क्या होगा, वामराज यदि ऑप्शन में है, लेकिन मोस्टली ऑप्शन में रहता नहीं है, तो कलचुरी वंश का यदि देखें सुयोग, ठीक है, एवं वास्तविक संस्थापक कौन था, कोकल प्रथम, ये आपके एग्जाम के ऑप्शन में रहता है, कोकल प्रथम 850 से 890 ईसी में। ओके, इसका अगर देखें कोकल का, तो इसका एक युद्ध हुआ था किसके साथ, राजा भोज प्रथम से, कन्नौज के जो प्रतिहार थे। इसने अपनी पुत्री का विवाह, कोकल प्रथम ने, ओके, अपनी पुत्री का विवाह राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण द्वितीय के साथ किया था, राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण द्वितीय के साथ किया। ओके, उसके पश्चात उसका बड़ा पुत्र मुग्धतुंग त्रिपुरी का शासक हुआ। इसका कोकल का पुत्र होगा कौन सा, मुग्धतुंग। अब ये शासक बनेगा। ओके, यह एक महान योद्धा था जिसने पूर्वी समुद्र के किनारे तक विजय प्राप्त की और दक्षिण कोसल के सोमवंशियों से पाली अर्थात बिलासपुर जिला छीन लिया था। तो दक्षिण के कोसलों से, दक्षिण के कोसल राज्य से इसने पाली, पाली किसका नाम है प्राचीन, बिलासपुर का, जो अब वर्तमान में सीजी में, इसको छीन लिया था। ओके, इसको विजित किया। इसके बाद यदि देखें, ठीक है, तो इस वंश के और जो शासक हुए उनमें से बालहर्ष, फिर इसके बाद कौन सा, युवराज देव प्रथम, आपको युवराज देव प्रथम को बहुत डिटेल से पढ़ना है, ये बहुत ही इस वंश का प्रतापी या महान शासक कह सकते हैं, 915 से 945 ईस्वी तक। ओके, और इससे क्वेश्चन आते हैं, तो
इसे साहित्य का, युवराज देव प्रथम को साहित्य का महान आश्रयदाता माना जाता है, साहित्य का महान आश्रयदाता। इसके यदि देखें कि इसके दरबार में कौन थे, राजशेखर, आप जानते हैं राजशेखर जी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाएं आपसे पूछ सकता है, तो इनकी रचनाएं हैं बाल रामायण, बाल भारत, ओके, कपूर मंजरी, ये वाली एग्जाम में तो ज्यादा ही पूछी गई है आपके, ओके, और काव्य मीमांसा। तो आपसे दो तीन क्वेश्चन बन सकते हैं कि राजशेखर जो थे किस एक राजवंश राजा के दरबार में थे, युवराज देव प्रथम, ओके, और इनकी रचनाएं आपसे पूछ सकता है, कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा तो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा है, ओके। इनकी पत्नी का नाम, युवराज देव प्रथम की पत्नी का नाम नोहला था, क्या था, नोहला। इनकी इच्छा अनुसार इन्होंने कई जगह पे शिव मंदिरों का निर्माण किया है, ओके, जिनमें चंद्रेही, बलेहरी और शिव के उत्कृष्ट मंदिरों और मठों का निर्माण कराया है। तो कहाँ पे कराया, चंद्रेही बलेहरी, यहाँ पे शिव मंदिरों और मठों का निर्माण करवाया, शिव मंदिर व मठ, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट है, देवराज प्रथम से अगर क्वेश्चन देखें, सॉरी देवराज नहीं, युवराज देव प्रथम से, युवराज देव प्रथम यदि इनका देखें तो इन्होंने क्या किया, इनकी राजधानी क्या थी, त्रिपुरी, इसके समीप एक जबलपुर में भेड़ाघाट के पास, भेड़ाघाट के पास 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कराया, जो आपसे एग्जाम में पूछता है, 64 योगिनी मंदिर का निर्माण, इसने करवाया, ठीक है, युवराज देव प्रथम ने। इसके समीप एक मठ स्थापित किया, इसी के समीप क्या है, एक मठ भी है, उस मठ का नाम है गोलकी मठ, कौन सा, गोलकी मठ, तो इसका भी निर्माण इन्होंने करवाया था। इनकी जो पत्नी है नोहला जी, ओके, इन्होंने दमोह जिले के नोहटा में नोहलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया, कहाँ पे, दमोह जिला, ठीक है, दमोह जिले के कहाँ पे, नोहटा में, नोहटा में नोहलेश्वर, शिव मंदिर का निर्माण करवाया, ओके। युवराज प्रथम के यदि देखें हम, ओके, ये युवराज प्रथम जो हैं इनके दो सुयोग मंत्री थे, उनमें से एक के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इनके एक सुयोग मंत्री था कौन, भाक मिश्र, ओके, और दूसरा एक और अंत मंत्री कौन था, गोलक, दोनों ही बहुत ही सुयोग थे, और ओके, इसका जो गोलक का शिलालेख है हमें बांधवगढ़ से मिला है, एक शिलालेख मिला है कहाँ से, बांधवगढ़, ओके। यहाँ पे ये है कि इन्होंने क्या किया था, विष्णु के अवतारों की प्रतिमाओं को उत्कीर्ण करवाया था, विष्णु के अवतारों की प्रतिमाओं, उत्कीर्ण करवाया, ओके। तो युवराज देव प्रथम, इसके बारे में आपको याद रखना है, एक तो कौन सा, राजशेखर, और प्लस ये आपका 64 योगिनी मंदिर का निर्माण, ये दोनों क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये नौलेश्वर शिव मंदिर ये भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, ओके। यदि अब देखें कि इसका जो युवराज देव प्रथम है, युवराज देव प्रथम का पुत्र कौन था, लक्ष्मण राज,
और उसके बाद ये शासक बनेगा। ओके, लक्ष्मण राज पश्चिमी चालुक्य अर्थात मूल राज का समकालीन था। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि लक्ष्मण राज ने ब्लहरी का मठ, ओके, एक शैव गुरु को सौंपा था, शैव गुरु को सौंप दिया, ठीक है। और इसका एक उन्होंने एक विष्णु मंदिर बनवाया जो कि कहाँ पे, कारी तलाई। ओके, कारी तलाई कौन सा है, मुड़वारा तहसील जिला कटनी। यहाँ पे इन्होंने एक विष्णु मंदिर का लिए अनेक गांव दान दिए और विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। ओके, इसके दो पुत्र थे लक्ष्मण राज के, एक तो कौन सा, युवराज देवदूत्री, तो इसके बाद कौन सा शासक बनेगा, युवराज देवदूती, ठीक है, वो पहले थे। इसका लक्ष्मण राज का पुत्र कौन हुआ, युवराज देवदूती। ओके, इसके समय ये कह सकते हैं कि जो मालवा के राजा मुंज ने त्रिपुरी पर आक्रमण किया, ओके, और इसे पराजित कर दिया। इसमें कौन हार जाएगा, युवराज देव प्रथम पराजित हो जाते हैं। ओके, और कलचुरी के अनेक सेनापति मारे गए और युवराज त्रिपुरी से भाग जाता है। चूंकि मुंज जैसे ही वापस जाते हैं, ओके, तो ये फिर से युवराज गद्दी पे बैठना चाहते हैं, लेकिन जो सेनापति वगैरह थे वो आक्रोशित थे, आते उन्होंने क्या किया, ठीक है, कोकल्य देवद्वती को राजा बना दिया। इसे न बना करके किसे बनाया, कोकल्य देवद्वती। अब ये भी ठीक है, यानी कि शासन किया, उतने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन इनके पुत्र बाद में शासन करेंगे, कौन, गांगेय देव, ये बहुत ही शक्तिशाली शासक होंगे इस वंश के, और पुनः कलचुरी को शक्तिशाली, यानी कि त्रिपुरी को शक्तिशाली साम्राज्य में बदलेंगे। तो ये शक्तिशाली शासक हुए, कौन, गांगेय देव। ओके, महोबा से एक शिलालेख मिला है, ओके, उसमें गांगेय देव को विश्वजीत कहा गया है। क्या कहा गया है, विश्वजीत कहा गया है। अलबरौनी जो कि यात्री थे, उन्होंने, ठीक है, डाहाल अपने विवरण में गांगेय देव को डाहाल का शासक के रूप में कहा है, जिसकी राजधानी क्या थी, त्रिपुरी। तो इन्हें बताया कि डहाल के ये शासक थे, तो किसका उल्लेख मिलता है, गांगेय देव का। गांगेय देव ने लक्ष्मी के छाप वाले सोने के सिक्के जारी किए, कौन से, लक्ष्मी के छाप वाले सोने के सिक्के। जारी किए, ओके, जो सिक्के सुदूर कश्मीर तक में उपयोग में लाए जाते थे। गांगेय देव अपनी मृत्यु के पूर्व ही अपना शासन जो है अपने पुत्र किसे, कर्णदेव को सौंप करके चले गए थे। तो इसके बाद इनका पुत्र कौन होगा, कर्णदेव। ओके, एक्चुअली ये कहाँ, गांगेय देव पूरा शासन सौंप के कहाँ चले गए थे, प्रयाग, और प्रयाग में एक अच्छे वट के समीप उनकी मृत्यु हुई थी। नहीं, आपसे क्वेश्चन बने कि निम्नलिखित में कौन सा एक शासक था जो अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र को शासन भार सौंप करके प्रयाग चला गया था, तो कौन थे, गांगेय देव जी।
जो कर्ण देव था ये कब से, 1041 से 1072, यह भी एक बहुत ही शक्तिशाली शासक होगा कर्णदेव। ये मालवा के राजा भोज को भी पराजित करेंगे। और चंदेल राजा कीर्ति वर्मन को भी पराजित करते हैं। किसे? चंदेल राजा कीर्ति वर्मन, इसको भी पराजित करेंगे। कर्ण चूंकि क्या है, कर्ण ने बहुत सारे लोगों को हराया, दक्षिण के चोल इनसे युद्ध होगा, इनको भी पराजित करेंगे, यानी कर्णदेव अविजित होंगे। साथ ही तो चूंकि ये कंटिन्यू निरंतर युद्ध जीतते रहे, इसलिए इन्हें निरंतर सैन्य उपलब्धियों के कारण, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कर्ण की निरंतर सैन्य उपलब्धियों के कारण इन्हें हिंद का नेपोलियन कहा जाता है, या इसे क्या कहा जाता है, हिंद का नेपोलियन। ये वाला क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक शासक हिंद का नेपोलियन नाम से जाना जाता है। हिंद का नेपोलियन, तो आई थिंक अब आपको याद रहेगा किसे कहते हैं, कर्ण को। विजयों से भरपूर जीवन के अंतिम समय कर्ण कई बार अनेक राजाओं से पराजित भी हुए हैं, जिनमें कीर्तिवर्मन, परमार, उदयादित्य पाल, विग्रहपाल आदि थे। कर्ण की अगर एक और चीज देखें, जो कर्णदेव थे या कर्ण, इन्होंने बनारस में कर्ण मेरु नामक 12 खंड के मंदिर का निर्माण कराया था। कहाँ पे? बनारस में। कर्ण मेरु नामक बारह खंड के मंदिर का निर्माण कराया था। और जो अमरकंटक के मंदिर हैं, मध्य प्रदेश में अमरकंटक में जो मंदिर हैं, उनका निर्माण भी कर्ण के द्वारा करवाया गया था। अमरकंटक में जितने भी मंदिर हैं, मंदिरों का निर्माण इन्हीं ने करवाया, किसने? कर्ण ने। इनका उत्तराधिकारी देखें तो कौन था? यश कर्ण। इनका उत्तराधिकारी कौन हुआ? यश कर्ण। इसके बाद इसका पुत्र गय कर्ण, इनके बारे में कम पढ़ना है हमें, कोई भी नहीं देखना। इसके बाद पुत्र नरसिंह और जयसिंह हुए इसके। जयसिंह समता चंदेल राजा परमरदीति की अधीनता स्वीकार कर दी थी, जो चंदेल राजा, अभी जस्ट पढ़ने वाले हम इनको, परमरदी देव, जिनके दरबार में आला उदल भी थे, इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसने? जयसिंह ने। जबलपुर से लगभग 16 किलोमीटर दूर एक गांव है, कौन सा? गोसलपुर। माना जाता है कि इनकी, आप जयसिंह की पत्नी थी रानी गोसल देवी, उनके नाम पे बनाया गया था। तो जयसिंह की एक पत्नी थी, कौन? रानी गोसल देवी, इनके नाम पे गोसलपुर गांव बसाया गया है जबलपुर के पास। कलचुरी वंश का यदि अंतिम शासक देखें तो कौन था? विजय सिंह। अंतिम
शासक कौन था? विजय सिंह। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि त्रिपुरी में जो कलचुरी वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? विजय सिंह। ओके, तो आई थिंक हमने कलचुरी वंश जो था पूरा कंप्लीट कर लिया। शुरुआत से देखें कलचुरी राजवंश की दो ब्रांचेस महिष्मति और त्रिपुरी। कलचुरी वंश ये जो महिष्मति वाला ये अत्यंत प्राचीन है। ओके, इसके हमें केवल तीन शासकों की जानकारी मिलती है, एक तो कृष्णराज, शंकरगढ़ और बुद्धराज। ओके, वास्तविक संस्थापक कौन है? कृष्णराज। आप इसके बारे में थोड़ी सा ये जो हमने लिखा था इसे याद रखिए। फिर हमने देखा कलचुरी में त्रिपुरी शाखा। ओके, संस्थापक वामराज, लेकिन वास्तविक संस्थापक या सुयोग शासक देखें तो कौन था? कोकोल प्रथम। ओके, फिर इसमें हमने देखा कौन सा? युवराज देव प्रथम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और शक्तिशाली पराक्रमी शासक है। आप इसे राजशेखर जी इनके दरबार में थे, प्लस ये जो चीज़ें इन्होंने बनवाई ये याद रखना है आपको। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण जबलपुर भेड़ा घाट में करवाया। ओके, युवराज देव प्रथम को आपको याद रखना है क्योंकि इन्होंने बहुत सारा निर्माण कार्य किया और इन्हें हिंद का नेपोलियन भी कहते हैं। सॉरी, ये युवराज देव सेकेंड है। फिर हमने देखा ये कर्ण को हिंद का नेपोलियन कहते हैं। सॉरी, ठीक है, किसको? कर्ण को, कर्णदेव को। ओके गाइस।